सारे भाण भैया ने राम राम। एक कहानी बताऊंगा बहुत सुंदर लुगाइया की पंचायत। आ पंचायत का नतीजों के लिकड़ाया सुनन खातर पूरी कहानी सुनियो और कमेंट करके जरूर बताइयो अच्छी लागी किसी लागी कहानी। सारी भाणा ना राम राम। एक गांव में एक गरीब वो थो मिस्त्री तो वो खत्ती खुत्ती को काम करया करता, जिस तरह कुर्सी बना दी, टेबल बना दिया, बेड वुड बना दिया और आपको गुजारो करया करता कर तो। हाँ, घर में ही कर रखी थी उसने, दुकान सी आपकी। और गांव में जो भी किसी को कि मैं खराब हो जान दो तो वह उससे कन ठीक करवाया करता, टूट फूट हो जान दी तो। और उसकी लुगाई थी पंचायत पंचायती टाइप में, जिस तरह लुगाई नहीं हो जाए कर गांव में कई हो जाए ही सी न्यू लागी रहा उसका। आए तू कित गई थी आज, आए तू के ले आई आज बाजार में गई है, तारे के आज बात हो रही थी, तारे के चर्चा हो रही थी न्यू, मतलब पंचायत सी करती हंडी जब है चौधरसी के। तो वालू गई थी इस टाइप की। तो उसकी पड़ोसन को साड़ी खरीद ले आई, उसने बताई को नहीं कि मैं आज साड़ी ले आई हूँ, नई चीज ले आई जितनी खुद बूझण को लग जाए, ये सूट कित ले आई, हाँ यो कद ले आई, देखण भी चाल पड़ा आज तू कित गई। तो उसने उस सूट साड़ी को बेर कौन पट्टी वह पड़ोसन कद ली आई। तो वह बाजार में गई तो साड़ी वाला ने बता दी, कल भाई वह भी आई थी तेरे पड़ोसन के लेगी, बोल सूट लेगी से। तो उसका तो यही होगी बस, मेरे तो कौन बताई रे सूट ले आई, मन बेरो कौन पट्टे वही आपका आदमी लो रहा है मदन नाम था उनको। बोले जी पड़ोस पड़ोस वाली सैडी ले आई से नहीं, और मेरे तो कौन बताई उसने। तो वो बोले भाई तू तन्ने के मतलब कम ले आओ कम पहो, हाँ आपके घर ते ले आओ सब बहुत बढ़िया सैडी ले आई तो पहरेगी, अण बात में ध्यान मत दिया कर, घर का काम में ध्यान दे, गणी पंचायती मत बने। उसने बोली तो उस साथ लग गई गुड़न आके, मेरी तो कदे साड़ी लिया की कौन दे, कदे कोई चीज कौन लिया की दे, और किसे की बताऊं सु तो भी कोनी सुने, जिद्दा जिद्दी कर करा के नरवा चली गई आप घर, मतलब काम करन लग गई। तो इतना ही गांव को जो साहूकार आदमी थो वो ले आयो बक्सा आपका सैनिक का साथ सर पर धरकी ने, दो बक्सा ले आयो खराब हो। बोले भाई मदन ने इन बक्सा ने ठीक कर दी, साहूकार था वो अच्छे। तो बोले ठीक से उसको तो काम में थो ठीक मिस्त्री बनाओ काम करना। बोले ठीक से धर दे सेट कर दी वो धरकी ने, अरे चलिया गया चले आ गया। तो पाछो वो लग गयो समारण, उसने तो अपनो काम करनो ही थो, विद्वाना को काम हो जा। तो वो बक्सन लग गए देखन लगे कि कुंदी कांदी खराब हो रही थी, एक को ढक्कन में किम कमी थी। तो उसने कुंदी कांदी ठीक कर दी एक की, तो करके ने और दूसरो बक्सो उठाए, दूसरे बक्से को मतलब ढक्कन डुक्कन लगाने खाता ठाए न्यू बक्सो, तो उसमें तरपियो पड़े चांदी को लकड़ी की सिक्को। तो उन सोची वो चांदी को सिक्को इतने ही वहां घर वाली फिर आ गई उस गल माथो मारन। तो बोली के बात जी के हो, बोली देख चांदी को सिक्को आए से इसमें बक्सम, अरे ले आन तू धर ले संभाल के धर ली, माँ को के करूंगा मेरे के काम। तो राजी होगी चांदी और सिक्का मिले मत से, तो लेके सिक्का नर ले गई चली गई भीतर, अरे वो धर दी संभाल के सिक्को। और मन में हो रही अच्छी खुशी, कपड़ा कुपड़ा धो धा के नर लाग रही सुकान कपड़ा गुनगुना करे अपना मन मन में गाव रागनी, राजी हो रही खुशी मनावे और कपड़ा सुखावे। तो उसकी पड़ोसन आ गई, बोली आए आज के हो गयो के गुनगुनाव से इसी खुश हो रही के खुशी हो रही साजे। जिन्नी बोली जी जी खुशी होने के करूँ, आज मेरे पति ने मेरे ते उपहार दियो से मतलब गिफ्ट दियो से सुनने को सिक्को, और मैं तो जिद राजी हो रही। तो आन सोची सो गरीब आदमी मिस्त्री को काम करके घर को काम चलावर सुनने को सिक्को दे दियो, बात के मजम को नहीं हुई। फिर भी बहिवा तो आंस की नरका की चली गई भीतर, तो उसने सोची सच्ची दियो हो गो, चली गई आपका घर ने पानी भरने गई बस कुआ पे। तो उसका भी पेट में दर्द हो गयो पड़ोसन का, आगे यह बात मैं बताऊं किस है ने, हाँ लुगाइया बात के खटाव कोई नहीं खटाव। वह गई कुआ पे गई पानी पुनी भरन लाग रही कई लुगाई,
तो उन जाके नहीं बोली आई तम न सुनी सके एक बात है। बोली के जी जी हमने तो कौन सुनी। बोली मदन ने मिस्त्री ने आपकी गराली तई गणाए सुनने का सिक्का दिया से उपहार में। तो गणाए सुनने का सिक्का तो उनका चंबो सो हो गयो। सारी एक दूसरी का नहीं देखे सुनने को गणा दियो वो डाकी गणा बना दिया नून मिर्च ला दिया उनका। तो बोली मिस्त्री ने आपकी गराले तक गणाए सुनने का सिक्का दिया से उपहार में। और तो फिर वह एक दूसरी का कानाफूसी करती रही बता दी वाह उन बता दे वाह उन बता दे आग का डाल फैल गई सारे। हाँ। ये बात जो गांव को मुखिया थो उसके कन पहुंच गई बात। तो उसकी गराली कन पहुंच गई बात। तो उसने बाब उसने आपका ऊँ ताई बताई जाके आदमी ताई नी बोले जाके आपने एक बात सुनी इसके बोल के। बोले मिस्त्री की घरा मिस्त्री ने आपकी घराली ताई सुनने का घनाए शिकार ऊँ ते मतलब टूमर गणु बहुत घनी चीजा ते तोल दी। और तू तो मन कदे किमा को लेके दे अपना बयान का साल हो गया कदे किमा चीज को लेके दे कदे छेड़ी भी को लेके दे। तो फिर उसने सोची मिस्त्री कन इतनी इतनो सामान मदन कन कितना आ गया इतनो गहनो भाई वो तो मिस्त्री को काम करे से। हाँ। और इतना रुपया और इतनो उसकन सामान कितना आ गया जरूर उसके कोई खजानो हाथ लाग गया। तो भाई जो भी अब कह बीरबानी उसकी। हाँ। तो सेठानी का है तो सच्ची बात होगी। हाँ। फिर उसने के करियो अगले दिन भाई जो बड़ा बड़ा मुखिया पंचायती जो आदमी होया करे बकट्ठा करे कट्ठा करके नहीं बोला भाई थमने एक बात सुनी। बोल के बोल मेरी सठानी ने कहती कि मदन ने आपकी घराली सुनना चांदी में तोल दी गहना में तोल दी इतनो गहन उसकन किता आयो। हाँ इतनो धन किता आयो उसकने जिद बोले सह तो कि और नहीं बोले। हाँ हमने भी सुनी थी यह बात तो चर्चा तो सब गांव होगी। हमने भी बोले जरूर उसके घर में कि उसने खजानू मिले उस। फिर बोले हाँ उसका है। बोले तो चलो चलांगा। अरे उसने बुझ जाऊंगा गांव की भलाई खातर के हम दान पुण्य दे दे तो इतनो सोनू चांदी मिले उसे जिद। फिर वह गया कने सारी पंचायत नाम दा देखी ने उसने सोची आज ये सारा कट्ठा हो कि किस तरह आओ है उरे। हाँ टोल बनियो। तो उन्हें देखी ने वो बोले हाँ भाई मदन बोल जिन बोले भाई थम सारा एक साथ और मेरे घर में किस तरह आया। जिन बोले हम तो न्यू आया सा आ तेरा कोई खजानो हाथ ला गिर से आ तेरे कन इतनो धन से तो गांव की भलाई खातर के हम दान पुन कर चंदो दे के मैं। हाँ। और गांव में भी करुआ भाई किम काम इतना पैसा से तेरे कंजी में। जिन बोलियो मेरे कन इतना पैसा मेरे तो घर को गुजारो मुश्किल तो चल रहा से। हाँ। इतनो धन में कितने लियाऊंगा और कितने दूंगा तमने। हाँ। जिन बोले ना तू झूठ बोल रहा से तन तेरे घर आई सोना चांदी मर गहना में तोल दी। हाँ। तेरे कन इतनो धन से। हाँ। तो मदन रह गयो सहम सो गयो मन ने कत्तोल दी। हाँ मन ने तो बोलियो एक चांदी को सिक्को दियो था मेरे घर आड़ी ताई। हाँ। और वो भी मन की तय मिलियो थो। हाँ। और मेरे कन के मैं को नहीं। हाँ। फिर उन होगी एक दूसरी का मुका नहीं देखे। हाँ, तो हाँ लुगाई हम बोले फिर वो बोलियो जिस तई एक सौ ना सिक्का ही कही थी वह लुगाई बोली ना मेरे तई उसने न्यू बताई थी कि मेरे तई सुनना सिक्को दियो जिद जिस तई वान्यू कह के आई थी कुआ पर गणाए सुन का सिक्का दे दिया। बनी बोली झूठ बोल लगी तन्यू कही थी रे मेरे ते उस तई गिफ्ट में गणाए सुन का सिक्का दिया से शुरू होगी बोल झूठ बोल लगी तन्यू कही रे मारा आगे गणाए सुन का सिक्का दिया से। तो फिर ये बात उनके आपस में जिदा विदी देख के मुखिया बोले आपके घराली ने और तू मेरे तई नहीं बोली तोल दीवा। तू मेरे तई नहीं बोली रे सुन चांदी मर गहना में वा तो तोल दी तोल दी तोल दी। तो फिर वो बोले मिस्त्री मदन बोले सेठ जी ले बेरो पट गई समझ में आ गई होगी तारा मन उपहार में के दियो से।
एक लुगाई ने बोली नून मिर्च लगा के जिसका कने बात पूछती गई और वह अपन तड़को लगा लगा के न रागउन फैलामती गई सारे फैला दिया अग्का डाले और बोले तब न बेरो पाटियो गई मेरकन के थो और के ना थो। तो इस तरह न्यू है किस है कि बात न्यू एक दूसरी की कहनी नहीं चाहिए। लुगाइया ने नून मिर्च लगा की पछवा बात जूठी लकड़ा जूठी लकड़ा जूठी लकड़ा आज जूठी की बात फल लगी सच्ची भी फल लगी कोनी तेरी वा जूठी एक बार फल लगी सच्चाई ऊपर आ में ना रहो गई तो आगे तो आगी। तो लुगाइया ही पंचायत या है कि भाई जूठी बात किसे की कहनी नहीं चाहिए जब लुगाइया पंचायत में कौन बुझ जाए। लुगाइया की है पंचायत से और भाई किसे का पसंद आई हो तो कमेंट करके जरूर बताइयो चैनल ने सब्सक्राइब करियो और इस तरह किसी की रीस भी मत करियो उसकी यह चीज आ गई तो मैं भी चीज ले आऊं अपने घर में ब्यूत देख के चालियो और झूठी साची भी मत कहियो किसी की और आगे भाई उस किया है वह यह चीज लिया एक ले आई एक और बताओ चार सारी बनाने राम राम राम।